खतरों के खिलाड़ी को लेकर आखिर फरमान खान का क्या बयान आया, और यही नहीं बल्कि जब वो अब्दू से मिले थे तो अब्दू को उन्होंने क्या कहा है, साथ ही साथ शिव के लिए उन्होंने क्या बातें बोली और अंजुम के लिए उनका क्या कहना है और क्या वजह थी। पहले तो नाम जो है फरमान का भी आ रहा था कि खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा बनने वाले, क्या आगे एज अ वाइल्ड कार्ड एंटर करेंगे या फिर उनका क्या कहना है इस पर, एज अ वाइल्ड कार्ड वो एंटर करना चाहेंगे या फिर अगले सीजन में फरमान का जलवा हमको देखने को मिलेगा, इस पर फरमान ने क्या बयान दिए हैं, क्या क्या बातें बोली हैं, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांत। अगर बात की जाए तो फरमान को जनता जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है, लेकिन इस समय जिस तरीके का स्पार्क फरमान ने लगाया है भाई, ओवरऑल देखा जाए उनके एक इंटरव्यू के बाद अभी तक ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और जो जो खुलासे उन्होंने इंटरव्यू में किए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो उस इंटरव्यू का कहीं ना कहीं बहुत मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होगा फरमान को थोड़ा सा हाइप देने में। इसका मेन रीज़न मैं बताता हूँ, भले इंटरव्यू में फरमान ने ये चीज़ बोली हो कि मैं ये सारी चीज़ें, मतलब मेरे को कुछ लोग बोलेंगे कि सुंबुल के नाम पे इंटरव्यू करने आए, सुंबुल के नाम पे व्यूज़ देना है, लेकिन मैं सच बताने आऊँ, लेकिन आपको बता दूँ कि ये सच बताने के चक्कर में भी कहीं ना कहीं सुंबुल फरमान को जो है हाइप मिलेगी और मिली है। और इस समय अगर देखा जाए तो आप सब जानते हैं कि उनका जो शो है वो धर्मपत्नी, जिसमें वो काम करते थे, वो शो शायद अब जल्दी रैपअप होने वाला है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और फरमान जो है, जिनका नाम इस समय काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, हेडलाइंस बन रहे हैं एक हिसाब से देखा जाए तो, फरमान को लेकर जो खबरें थी उस पर जब फरमान से पूछा गया, जब हमने फरमान से बातचीत करने की कोशिश की तो ये चीज़ पता लगी। फरमान का ये कहना था कि मुझे खतरों के खिलाड़ी के लिए ऑफर आया था, ऐसा नहीं है, आया था, लेकिन मेरा शो जो है वो एंड फेस पे था, रैपअप हो रहा था शो, तो ये वजह थी कि मैं खतरों के खिलाड़ी अटेंड नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर अगले सीज़न मैं फ्री रहा, क्योंकि मैं इस बार काम कर रहा था, मेरा शो चल रहा था, मैं काम कर रहा था, इस वजह से मैं नहीं जा पाया, लेकिन अगर अगले सीज़न जब खतरों के खिलाड़ी आ रहा है उस समय अगर मैं फ्री हूँ तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। और साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि किसको सपोर्ट कर रहे हो, तो बोलते हैं मेरे 3 से 4 दोस्त हैं, ऑलमोस्ट दोस्त तो सभी लोग हैं, लेकिन शिव से मैं मिला हूँ, मैंने शिव को बोला है कि मतलब अच्छा करना और ऑल दी बेस्ट, दिन मैंने अंजुम को कल ही मैसेज किया ऑल दी बेस्ट लिख के, साथ ही साथ वो बोलते हैं कि मैंने अब्दू को भी बेस्ट विशेस भेजे हैं। और आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं फरमान ने भी खुद ये चीज़ क्लियर कर दी कि अब्दू भी खतरों के खिलाड़ी में एज अ वाइल्ड कार्ड या फिर शिव को सपोर्ट करने के लिए शायद तक जा सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि फरमान जो है क्या वो एज अ वाइल्ड कार्ड एंटर करेंगे, क्या अब्दू के साथ वो भी जाएंगे क्या, या फिर अगले सीज़न यानी कि खतरों के खिलाड़ी सीज़न 14 में हमको फरमान खान एज अ स्टार कंटेस्टेंट, एज अ स्टार परफॉर्मर देखने को मिलेंगे, इस पर आपकी क्या राय है? और खतरों के खिलाड़ी में अगर फरमान आ रहे हैं तो उनको देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।